हेलो फ्रेंड्स, सोशल किचन में मैं हर्षदा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोली एंड उसकी पूरी। ये महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस फूड है। इसको महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बहुत टेस्टी फूड है, बहुत फेमस फूड है ये। ये देखो पूरन पोली, देखो कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसको तूप के साथ। नहीं तो मैंने चिंसोनी का रेसिपी आपको बताया है, वो भी इसके साथ खाते हैं। नहीं तो कोई कर्ड के साथ भी इसको खाता है, दही के साथ। ये पूरन की पूरी है। ये देखो बहुत टेस्टी पूरी लगती है ये। पूरन की चपाती और पूरी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 किलो शक्कर लेना है और 1 किलो चना दाल लेना है। चना दाल मैंने पानी डाल के इसको पूरा 4-5 सीटी होने तक मैंने इसको पका लिया था। उसमें मैंने शक्कर मिक्स करके ये अब मैंने पकने को रख दिया है। इसको सब इधर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जब इसको चलाते जाना है, क्योंकि ये जल्दी नीचे लग जाता है, इसको जलता है फिर ये। इसको देखो अब साय के जैसा ऊपर ये आया है, तब समझ लेना पूरन हो चुका है करके। इसमें मैं 2-3 पिंच जायफल डालने वाली हूँ, जायफल का पाउडर। 5 नहीं तो 6 इलायची बारीक करके डालना है इसमें, जब ये गरम रहता है। और गरम गरम ही ये बारीक कर लेना है, नहीं तो ये जल्दी निकलता नहीं है पूरन। अब आप इसमें इसको पूरन के चालनी से भी निकाल सकते हैं। देखो ये पूरन की चालनी है, इसमें से भी बहुत अच्छा बारीक बन के आता है पूरन। देखो ये तैयार हो चुका है। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, जायफल डाल दिया है। बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है इसका जायफल की वजह से। अब ये मैंने ऐसा आटा गूंथ लिया है पूरन की पोली बनाने के लिए और पूरी बनाने के लिए। थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट पतला आटा चाहिए बनाते वक्त। इसको थोड़ा सा आटा लगा के ऐसा पूरा आटा गोल तैयार कर लेना है। इस पर ऐसा थोड़ा सा पूरन रख के इसका गोला बना लेना है। और इसको ऐसे बीच में दबा के इसको अंदर डालते जाके इसका आटा बनाना है। देखो ऐसा गोला बना लिया है इसका। ऐसी इसकी चपाती थोड़ी सी बड़ी, हाथ से बड़ी करके फिर इसको बेलना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और रेसिपी को दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी पूरी तैयार हो चुकी है और ये मैंने डीप फ्राई करने के लिए तेल में डाल दी है। अब इसको पलटा के दूसरी तरफ से पकने देना है। ध्यान रखना, अगर ये तेल में फूट गई तो पूरा पूरन तेल में जाएगा और उड़ भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान से करना है। देखो ये पूरी तैयार है। अब हम और पूरन की चपाती बनाएंगे। इसको ऐसा सब तरफ से दबा के बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसका गोला, कि ये फूट ना चाहे। इसको ऐसा सब तरफ से पैक कर लेना है और वापस से थोड़ा दबा के इसको सूखे आटे में थोड़ा सा गोल घुमा के फिर इसका हाथ पे ऐसा रोटी बना लेना है। और उसके बाद इसको सब इधर से काट काट से बेलते जाना है।
देखो अब ये मेरी चपाती पूरी तैयार हो चुकी है। सब इधर से मैंने इसको बेला है, फूटना ना पाए, सब इधर से अच्छी तरह से आ गई है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, नहीं तो आप तूप भी लगा सकते हैं, घी वो डाल के इसको डालना है, फिर ये चिपकती नहीं है। अब एक तरह से अच्छी तरह से सेकने के बाद इसको पलटा के दूसरी तरफ से सेकना है, बार बार इसको पलटाते जाना है, फिर ये तवे को चिपकेगी नहीं। इसको घी ऊपर से लगाते जाके इसको पूरी तरह से भून लेना है, सेक लेना है तवे पे। देखो अब इसको थोड़ा सा बलून जैसा फुग्गा आ रहा है, इससे वो अच्छी तरह से फूल गई है और ये पक चुकी है। ये मेरी पूरन पोली तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपकी चपाती कैसी बनी है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।